वाई गुड ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स का ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बस इस बात का फर्क पड़ेगा कि यहाँ से कोई पार्टिकल जो मोशन शुरू कर रहा है वो ऊपर की तरफ शुरू कर रहा है या नीचे की तरफ शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग मोशन कहाँ से हो रही है, उससे टाइम फर्क पड़ना। ठीक है, तो ये एक वेव की इक्वेशन है जो हमने किसी एक स्प्रिंग के ऊपर जनरेट कर दी। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑन द स्प्रिंग, किसी भी पार्टिकल, तो इसके पार्टिकल कैसे ऑसिलेट होंगे, ऐसे ऑसिलेट होंगे, ऐसे अलोंग वाई एक्सिस। तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस पर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी जो पुराने वाले डी वाई बाय डी ए ओमेगा कॉस, ये पार्टिकल्स की इक्वेशन है, पार्टिकल की नहीं, क्योंकि अगर पार्टिकल होता एक तो ये एक्स ना होता इसमें। अब कोई पूछे कि किस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी, तो यहाँ एक्स की वही वैल्यू रखूंगा कि जो पार्टिकल यहाँ से इतनी दूर है जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी यहाँ रख के निकाल दो। ठीक है, कौन सा पार्टिकल किस टाइम पर उसकी वेलोसिटी चाहिए समझ जाएगी। ठीक है, अब तुम इस स्क्रीन को एक एक्स वाई के बीच में ग्राफ की तरह इमेजिन करो, एक्स वाई के बीच में ग्राफ की भाई एक ग्राफ है, तो साइन फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ कहलाता है, ऐसे जो होता है वो एक्स और वाई के बीच में ग्राफ ही होता है। तो जो ऑसिलेटिंग स्ट्रिंग है इसको तुम लोग एक ग्राफ की तरह इमेजिन करो। ठीक है, ठीक है, अब जब तुमने इसको ग्राफ की तरह इमेजिन कर लिया तो इस स्ट्रिंग में डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स किसी भी वाई और एक्स के अगेंस्ट जो ग्राफ प्लॉटेड है उसका स्लोप होता है, ऐसा ही होता है, इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द स्प्रिंग, यानी कि स्लोप ऑफ द स्प्रिंग। सो dy upon dx equal to minus a k cos ठीक है भाई। अब dy by dx equal to minus k a cos omega t minus kx, a cos omega t minus kx v p a upon omega v p a equal to minus omega by k into dy by dx ओमेगा वाई से। हाँ ठीक, गलत देख रहे हैं नहीं सर। अब ये देखो ये क्या चीज़ है, ये है कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या होता है वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी मतलब इस डिस्टर्बेंस के आगे जाने की वेलोसिटी। तो वी पी ए इक्वल टू तो इससे तुम्हें किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने में हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब देखो ध्यान, सपोज करो कि तुम्हें ये पूछा जा रहा है कि ये एक पार्टिकल है, किस पार्टिकल मतलब वेव ट्रेवल करेगा राइट,
तो ये बात दिमाग में पहले पता चलेगी कि अगर वेव राइट में ट्रेवल कर रही है वेव की वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है ना, तो ये वाली टर्म पॉजिटिव है। अब इस पॉइंट की तुम्हें वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो एक्यूट एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट का नाम है पी। अगर तुम यहाँ पे देखो फॉर पॉइंट पी ऑन द स्ट्रिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट इफ पल्स इज propagating along positive x-axis, तो wave velocity equal to positive। अब ये दोनों टर्म जरा यहां रखना एक बार, तो vp equal to negative यहां से, तो इसका मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस तरह का है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है ये नेगेटिव एक्सिस है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ, क्या मैं बताऊं सर ये नेगेटिव क्यों आई है, ये माइनस ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो ये किसकी वजह से नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ही तो बना मैंने, नहीं समझ रहा। अब इसी तरह से तुम इस पॉइंट क्यू को चेक करो, फॉर क्यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बना तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 थीटा नेगेटिव होता है और वेव तो इधर ही चल रही है, तो वेव वेलोसिटी कैसी होगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी कि पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल क्यू इज मल्टीपल ऑफ वी क्यू। इनको देखो जरा, इसको चेक करो, इसको चेक करो, इनके ऊपर टेंजेंट बना के देखो, स्लो होता टेंजेंट जीरो, ये रेस्ट पे इन पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो। अब अगर तो यही वेव इस तरफ ट्रेवल करने लगे नेगेटिव है, ये इधर की तरफ है, अगर ये इधर की तरफ ट्रेवल करने लगे तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी इसके नीचे, क्योंकि उस टाइम पर ये माइनस साइन का ट्रांसलेशन लगेगा, इसे ठीक से याद कर लेना, इस पर 4 नंबर का सवाल हमारा हो सकता है। इतना गहन अध्ययन किस बात को लेकर होता है, तो सामने इसी को देख कर प्रोपेगेट हो रही है, इस पल्स के आगे बढ़ने की स्पीड क्या है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं उनकी स्पीड तो ये निकाल दी, वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली तो है, पर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली में बस था ए ओमेगा कॉस ओमेगा डी, क्योंकि वहां ए की पार्टिकल था, या किसी किसी पार्टिकल की बात हो रही है उसमें एक्स भी इन्वॉल्व हो गया, तो
स्ट्रेस टेस्टिंग पे जब हम ट्रांसवर्स फोर्स जनरेट करते हैं और वो आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रिंग के ऊपर प्रोपेगेट करने की स्पीड कितनी है? ठीक, अब तुमने क्या करा फिर एक स्ट्रिंग बना दी ऐसे, फिर इसके ऊपर यहाँ से पकड़ के इसको ऑसिलेट करा, तो फिर एक पल्स तैयार हो जाएगा। अब ये पल्स जो है ये आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है, मतलब ये पीछे वाले पार्टिकल नहीं जाते रहेंगे, ये वाले थोड़े थोड़े शेप को एक्वायर करते हैं। तो इसमें ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि जो डिस्टर्बेंस तुमने बनाया वो इस स्ट्रिंग के थ्रू आगे जा रहा है, तो इस स्ट्रिंग का पाथ देखो जरा कैसा है, कर्व, और हर एक कर्व पाथ इक्विवेलेंट होता है एक सर्कुलर मोशन के। इसका मतलब जो डिस्टर्बेंस इसमें आगे ट्रेवल कर रहा है वो अलग अलग पॉइंट को क्रॉस करने में अलग अलग सर्कल की रेडियस को क्रॉस कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ को अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करती है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उसको सेंट्रीपिटल। दूसरा, इस स्ट्रिंग को तुमने देखा था कि हमने इधर की तरफ हाथ से पकड़ रखा था, उधर की तरफ उससे बांध रखा था, इसका मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन, ठीक है, तो टेंस स्ट्रिंग तो है ही है। हाँ। अगर तुम छोड़ दो स्ट्रिंग प्रोपेगेट ही नहीं करेगी। हाँ। तो टेंस स्ट्रिंग में एक पल्स आगे ट्रेवल कर रही है, हमने मान लिया कि इस पल्स के आगे ट्रेवल करने की स्पीड है भी। अब ये पल्स बेसिकली यहाँ ऐसा समझ के उसको, ये ऐसी है थोड़ी देर बाद फिर ये ऐसी होगी, फिर ये यहाँ पहुँच गई, क्यों, फिर ये यहाँ पहुँच गई, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है मोमेंटम पार्टिकल टू पार्टिकल। पर अलग अलग पार्टिकल चूंकि अलग अलग जगह पे ओरिएंटेड है तो सब शेप पूरी पूरी ऐसे एक्वायर कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि जिस एक छोटे पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक पल्स है वो डिस्टर्बेंस एक छोटे पार्टिकल में एडजस्टेड है, तो उस छोटे पार्टिकल को तुम यहाँ पे देखो, इस जगह पल्स इस रीजन को क्रॉस करके गई है, छोटा सा रीजन है स्क्रीन का, वो अपना मोमेंटम दूसरे को दे रहा है। अब अगर तुम इसको थोड़ा सा मैग्निफाइड देखो तो तुम्हें ये कुछ ऐसी दिखेगी, और इस स्ट्रिंग में टेंशन है, तो वो टेंशन जो होती है वो किसी भी स्ट्रिंग के कर्व पार्ट के लिए टेंजेंशियल मार्क होती है। हाँ। तो हमने यहाँ पर जो ये पार्ट कंसीडर किया है वो तो ये वाला पार्ट है कि उस टाइम के लिए जब पल्स इस पार्ट को क्रॉस कर रही है, उस पार्ट के लिए स्ट्रिंग के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो एक आर रेडियस के सर्कल को पूरा कर रही है, उसके ऊपर से होके जा रही है। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो वो रेडियस का जो इंटरसेक्शन है वो इसका सेंटर होगा यहाँ पर, ठीक है, जिस पार्ट को हमने यहाँ कंसीडर करा है उसकी लेंथ है डेल्टा एल, और ये सेक्शन यहाँ पर एंगल सबटेंड कर रहा है डी थीटा स्मॉल, ठीक। अब ये चूंकि स्ट्रिंग ही इधर से उधर थोड़ी सी देर के लिए ट्रांसफर हो रही है, तो हमने मान लिया कि जिस स्ट्रिंग से मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह, स्ट्रिंग ही ऐसे चली गई, इसने अपना मोमेंटम इसको दे दिया, ऐसे थे पहले, ऐसे थे, इसने ऐसे ऊपर की तरफ फ्री हो गया, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि यूं ही इधर से इधर ट्रांसफर हो गया। तो इसका जो पार्ट है उसका मास हमने रिज्यूम कर लिया जिस पर हम मोमेंटम ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं स्ट्रिंग पर डेल्टा है। तो इस रीजन के लिए स्ट्रिंग में एक पल्स ट्रांसफर हुई, तो उस पल्स ने उतनी देर के लिए एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करा, सर्कल का मतलब पूरा नहीं, छोटी के लिए भी तो सेंट्रीपिटल चाहिए। हाँ। तो इस रीजन को क्रॉस करने में उस स्ट्रिंग को सेंट्रीपिटल, उस स्ट्रिंग की पल्स को सेंट्रीपिटल किसने दिया? टेंशन के कंपोनेंट। देखो इस टेंशन के भाई दो कंपोनेंट होंगे, ऐसे, अब तुम इसको देखो यहां से, ये एंगल है d थीटा बाय 2, ये एंगल है d थीटा बाय 2, ये 90 माइनस d थीटा बाय 2 है, वो d थीटा बाय 2 है, ये d थीटा बाय 2 है, ये भी d थीटा बाय 2 है, ठीक है, t
टी कॉस डी थीटा बाय टू टी साइन डी थीटा बाय टू। यहाँ देखो तो अब ये देखो ये इतना छोटा है, इसको मैग्निफाई करके तुम्हें यहाँ दिख रहा है, तो ये जितना छोटा होगा उतना ही ये और ये कंपोनेंट सेंटर के पास होंगे। अच्छा देखो ये जितना छोटा होगा तो उतना ही ये वाले कंपोनेंट देंगे, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, सेंटीमीटर प्रोवाइड कर देंगे ये जितना छोटा होगा एलिमेंट डेल्टा एम लेंथ का उतना ही ये और ये एलिमेंट सेंटर की तरफ होंगे, तो सेंटर की तरफ जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वही क्या देता है सेंटीमीटर। तो हम यहाँ करेंगे कि 2t sin d theta by 2 towards center is providing the centripetal to the wave pulse traveling on the string with speed v। ठीक है तो 2t sin equal to delta m v square by r, r उस सर्कुलर आर्क की रेडियस है जिसको उस टाइम के लिए कंप्लीट कर रहा है फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा नियरली थीटा ऑफ तो 2t v equal to under root t upon delta m upon r d theta। r d theta जो है वो इस सेक्शन की लेंथ है जिसका मास डेल्टा m है। तो एक बड़ी स्ट्रिंग का हमें छोटा सेक्शन कंसिडर करना है जिसका मास डेल्टा m है, उसकी लेंथ डेल्टा l है। तो मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का, तो हम क्या करेंगे डेल्टा एम बाई आर डी थीटा इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एल इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब इसको हम लोग म्यू से डिनोट कर देंगे तो वी इक्वल टू रूट टी। कोई भी ट्रांसवर्स वेव जब किसी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पर ट्रेवल करेगी तो उसमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंग में कितने टेंशन है और जिस स्ट्रिंग का हम यूज कर रहे हैं उसकी मास पर यूनिट लेंथ कितनी है, लीनियर मास डेंसिटी। तो उसकी स्पीड रूट टी बाई म्यू।
अब अगर ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग के ऊपर प्रोपेगेट ना होके किसी सॉलिड मीडियम में प्रोपेगेट हो रही है, अब पूछो कैसे, जैसे अर्थक्वेक के टाइम पे सीज़मिक वेव्स अर्थ में जाती हैं, हाँ पूरी अर्थ मिलती है, तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स मतलब जनरेट कहाँ से हो रही है वो अलग है, पर ट्रेवल तो सॉलिड मीडियम में से ही करेगी ना सर, होगी वो ट्रांसवर्स ही, अगर ट्रांसवर्स होगी तो velocity of transverse waves through solid medium v equal to root eta by t. Modulus of rigidity. Nothing. Density of medium, जिसमें से वेव ट्रेवल कर रही है, इस तरह निकाल देंगे, समझ आ गई? अब जो वेव प्रोपेगेट हो रही है चाहे वो ट्रांसवर्स है चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल है कैसी भी, वो अपने साथ एक मोमेंटम और एनर्जी कैरी करती है, ठीक है, एनर्जी इन वेव मोशन एनर्जी जो है वेव मोशन में, ये हम अलग अलग फॉर्मेट में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और ये सारा का सारा आर्टिकल फिर लाइट, चूंकि वो भी एक वेव की तरह काम करती है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ, देखो साउंड वेव और लाइट वेव दोनों एक ही साथ दिए जाते हैं, दोनों में कुछ टर्म्स जो फिनोमेना वगैरह वो भी कॉमन है, कॉमन आर्टिकल है दोनों के लिए, बस जैसा उसमें हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो वहाँ हम लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो वहाँ ब्राइटनेस, बस इतना फर्क है कि हम उसको आइडेंटिफाई अलग अलग, एक को कानों से फील करेंगे एक को ऑस्मोसिस से, पर दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल सेम आर्टिकल होंगे दोनों। तो जब हम किसी वेव के अंदर एनर्जी एसोसिएटेड चेक करेंगे तो उसको हम अलग अलग फॉर्मेट में देखेंगे, जैसे एनर्जी डेंसिटी, ये भी ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है, किसी भी वेव की बात हो रही है, एनर्जी की वेव मोशन, किसी भी वेव, कोई भी वेव, जब हम वेव एनर्जी कैरी करते हैं तो उस एनर्जी को हम किस किस टर्म में कैलकुलेट करेंगे और उन टर्म्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग है एनर्जी stored per unit volume, किसी रीजन के एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो यूनिट वॉल्यूम में इतनी है तो डिजायर्ड वॉल्यूम में कितनी होगी, स्टोर का मतलब तो पोटेंशियल एनर्जी वाले में बात कर रहे हैं, अरे यार ऐसा समझो कि जैसे एक 10 किलो का आदमी है, 10 किलो का आदमी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर उसी 10 किलो में तो होगी, होगी तो मीडियम के पार्टिकल्स अगर ऑसिलेटेड है मूवमेंट में तो मीडियम के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, और अगर वो स्ट्रेस्ड है अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है तो उसी में पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों काम हो रहे हैं दोनों एनर्जी, तो एक तो हम साउंड वेव या लाइट वेव की एनर्जी हम आइडेंटिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, तो जब भी कहीं एनर्जी डेंसिटी की बात होगी तो इसका मतलब वो रीजन में यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी को पूछ रहा है। दूसरा और ये भी एनर्जी का एक फॉर्मेट है, किसी रीजन में पर सेकेंड कितनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एनर्जी फ्लो पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, तो वर्क चूंकि एनर्जी का ही फॉर्मेट है
तो जैसे एक स्पीकर यहाँ बज रहा है, साउंड ऐसे 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 जाए जा रही, तो इस स्पीकर से कितनी एनर्जी पर सेकंड इस रीजन में ट्रांसफर हो रही है, वर्क डन पर सेकंड पर वॉट। इसीलिए स्पीकर्स के ऊपर लिखा रहता है कि ये स्पीकर इतने वॉट का है, वो इतनी एनर्जी एक सेकंड में रिलीज कर सकता है। समझिए इंटेंसिटी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर स्क्रीन पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है। ठीक है, दो चीजों से रिलेशन एनर्जी फ्लो पर सेकंड थ्रू अ एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली किसी एरिया के ऊपर 90 डिग्री एंगल पर एक सेकंड में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, वो उस एरिया को फील होने वाली इंटेंसिटी है। जैसे तुम्हारे कान पर कितनी साउंड एनर्जी एक सेकंड में फील हो रही है, और उसका एरिया भी है कुछ, उस एरिया से डिवाइड कर दो तो यूनिट एरिया पर एक सेकंड में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो उतनी लाउड तुम्हें चीजें दिखाई देगी, उतनी इंटेंस चीजें तुम्हें सुनाई देगी। पावर पर यूनिट, हाँ हाँ, ये अभी लिखूंगा ना आगे। अब एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पावर पर यूनिट एरिया। अब ध्यान से देखो, लाइट का एग्जांपल लेके अभी बात करते हैं। एक बल्ब है, तुमने यहाँ पे उसे ऑन कर दिया, तो इसकी जो एनर्जी इससे रिलीज हुई वो एक सर्कुलर रीजन में ट्रांसफर हुई। तो अगर आर डिस्टेंस दूर तुम्हें इंटेंसिटी चाहिए, मान लो ये 100 वाट का बल्ब है, मान लो ये 100 वाट का बल्ब है, तो आर डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी का मतलब इस 100 वाट एनर्जी इस एरिया पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहां इंटेंसिटी जो होगी वो होगी 4 πr² एरिया पर पर सेकंड वाट एनर्जी इंसिडेंट होती है यूनिट एरिया पर। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब तुम्हारे पास 100 वाट की ट्यूब लाइट है, अच्छा तुम्हारे पास 100 वाट की ट्यूब लाइट है, इससे जो लाइट निकल रही है वो ऐसे निकल रही है, तो आर डिस्टेंस दूर इंटेंसिटी ये एलएन की ट्यूब लाइट है ना, तो उससे जो लाइट निकलेगी वो ऐसे सिलेंड्रिकल रीजन को कवर करते रह जाएगी। ठीक है, काम की चीज समझना अभी। हाँ, तो अगर तुम्हारे घर में 100 वाट की ट्यूबलाइट है और तुम्हारे घर में 100 वाट का बल्ब है, तो जो बल्ब से एनर्जी निकल रही है पर सेकंड और जो ट्यूबलाइट से एनर्जी निकल रही है पर सेकंड वो तो सेम है। हाँ, पर जिस एरिया को वो एनर्जी मिलती है वो अलग। ऐसी सिचुएशन में पॉइंट सोर्स के लिए वो स्फेरिकल एरिया है। हाँ, और लॉन्ग ट्यूबलाइट के केस में वो सिलेंड्रिकल एरिया है। अरे ट्यूब लाइट में से लाइट यहाँ से कहाँ निकलेगी, तो यहाँ यहीं से तो निकलेगी, तो पर निकलेगी तो निकलेगी बट और उस साइड से भी निकलेगी, उस साइड से तो दीवार की तरफ होगा। अरे वो तो ये वाली लाइट है भाई, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, सब मैंने एक सिलेंडर तो बनाया पूरा। ये ऐसी ये ऐसा है भाई, ये ऐसा
बीच में खड़ी कर दी। क्या हो गया तुझे? गुड। तो अब ध्यान से देखो, सोर्स से 2 मीटर दूर चले गए। ठीक है, सोर्स से 2 मीटर दूर, दो मीटर दूर चले गए। तो यहाँ इंटेंसिटी कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी 1 मीटर दूर, और यहाँ इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, 1/2, 1/4। अगर तुम सोर्स से 3 मीटर दूर चले गए तो यहाँ इंटेंसिटी 1 मीटर दूर की इंटेंसिटी की 1/9 हो जाएगी, यहाँ इंटेंसिटी 1/3 हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है अगर तुम समझ पा रहे हो? ट्यूब की इंटेंसिटी का डिके स्लो है, बल्ब उतने ही वॉट का है, उसकी इंटेंसिटी जल्दी जल्दी फॉल कर रही है। इसीलिए 40 वॉट की ट्यूबलाइट रूम में जलाओ ज्यादा ब्राइटनेस दिखती है, 100 वॉट का बल्ब जलाओ अंधेरा से दिखाई देता है, क्योंकि उससे जो एनर्जी का इंसिडेंस है वो अलग अलग टाइप के एरिया को कवर करता है। तो इसी तरह का तुम इमेजिन करो चीजें साउंड में, साउंड का छोटा सा स्पीकर है, वो इस तरह के फॉर्म में एनर्जी को इंसिडेंट कराएगा। अगर साउंड बार है ऐसा कॉलम, उससे एनर्जी ऐसे निकलेगी, तो इसकी एनर्जी थोड़ा दूर तक जाके डिके होगी, उसके अंदर डिके हो जाएगी, मतलब इसकी एनर्जी 1/9 टाइम्स हो जाएगी 3 मीटर दूर, और इसकी इंटेंसिटी 1/9 टाइम्स होगी 9 मीटर दूर जाके। इसलिए जो साउंड स्पीकर्स होते हैं सिलेंड्रिकल टाइप, इसलिए साउंड बार लगे होते हैं ऐसे कॉलम वाइज। और सर जैसे ये है, ये तो पूरे सिलेंड्रिकल एरिया में निकल पा रहा, हाफ सिलेंडर यार, तो फिर उसका आधा घट गया तो फिर ऐसा ही तो आ रहा ना। अब तुमने बल्ब भी लगा लिया, अगर बल्ब तुमने लगा लिया दीवार पे तो उसका भी तो आधा हेमिस्फीयर ही मिल रहा है इधर। हाँ हाँ, अभी सुनो मेरी बात, मतलब ऐसा है ना कि अगर मान लो तुमने यहाँ पे एक ट्यूबलाइट रखी, इससे तुम्हें 3 मीटर दूर इंटेंसिटी चाहिए, तो भाई इधर तो 3 मीटर दूर इंटेंसिटी, इधर की तरफ जाए लाइट ना जाए उतनी तो मिलनी, इधर वालों की उधर थोड़ा चली जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। अब दीवार इस तरफ तो कोई आदमी बैठा ही नहीं, तो इधर की तरफ आधा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो कवर होगा, इंटेंसिटी तो उतनी रहेगी। तो देख रहे हो ना ये चीजें कितनी टेक्निकल तरीके से काम करती हैं, समझ रहे? तो अब हम सबसे पहले यही देखेंगे कि वेव के अंदर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है। पहले काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर पावर निकालेंगे। फिर ये जो इंटेंसिटी है ये मैंने तुम्हें बताया था एम्पलीट्यूड ऑफ वेव के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यहीं से आ रही है। अच्छा, अब ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा अच्छा सा शुरू होने लगेगा। ठीक है, बेसिक्स चल रहा है, हैं अभी बेसिक्स चलेगी, अभी तो बेसिक्स चल रहा था ना कि भाई वेव होती काम कैसे करेगी, कैसे करेगी। अब जो ट्रांसवर्स वेव होगी वो चलेगी √T/μ स्पीड से, अगर वो सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करेगी इस तरह से चलेगी, फिर प्रोपेगेटिंग वेव में एनर्जी किस किस तरीके से लेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये भी। पावर और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन बताया था आपने? लिख कर रखा कि पावर पर यूनिट एरिया। एक बार एग्जांपल से रिलेट करके बता दो हल्का सा, जो आपने ये एग्जांपल दिया जैसे बल्ब वाला। हाँ, तो एग्जांपल से क्या रिलेट करूँ? मतलब जैसे इसके अंदर हम ये चीज़ देखेंगे पावर है इसके अंदर, मतलब पावर किस हिसाब से, मतलब वो इंटेंसिटी रिलेट कैसे हुई? बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, तो उसको कितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, सोर्स से, फिर वो उसका कितना एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहा है लाइट में, तो लाइट एनर्जी पर सेकंड उसने इतनी भेज दी। हाँ, अब इतनी एनर्जी पर सेकंड गई, उसको कितने एरिया पे हमने इंसिडेंट करा दिया। अगर हम बल्ब के पास में बैठे तो वो इतनी एनर्जी इतने बड़े स्फीयर पे गिर रही है, ठीक है, जब यहाँ चले जाएंगे इतना बड़ा स्फीयर उस एनर्जी को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा समझ लो ना कि वो लाइट बीम्स ज्यादा दूर हो जाएंगी, यहाँ पास पास ही थी, तो यूनिट एरिया के हिस्से में कम इंसिडेंट लाइट आने लगेगी, उससे ब्राइटनेस अपने आप ही कम हो जाएगी, ऐसे साउंड का चक्कर है, ठीक हो गया। टाइम मतलब अगर हम सर एरिया बढ़ा देंगे तो बहुत देर का हो गया, डेंसिटी कुछ कर देंगे।